सकते हैं, तो वहां से तो थोड़ा नीचे की तरफ नजर आ रहा है, 5-6% नीचे की तरफ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले शायद 1-1.5 महीने से ये 5000 के आसपास का लेवल है, बार बार उसे रिटेस्ट कर रहा है, तोड़ नहीं पा रहा, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वहां पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आपकी क्या राय बन रही है? अभी भी स्टॉक उसके ही नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, यहां से एक पॉजिटिव ब्रेकआउट नजर आ सकता है या और नीचे की तरफ गिर सकता है स्टॉक? कि अगर आप ब्रॉडर ट्रेंड्स देख रहे हैं तो वो तो काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, बट जैसा कि आपने बताया कि 5000 लेवल के पास ये तीसरा मौका है कि ये स्टॉक उसको क्रॉस नहीं कर पाया है और वहीं से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सो एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है डेली के चार्ट पर। मुझे लगता है कि अगर ये 4450 के नीचे अगर सस्टेन होता है आने वाले समय में तो फर्दर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है टूवर्ड दी लेवल्स ऑफ 3900। अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मुझे लगता है 3900 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर सकते हैं, बट अगर इन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेड रखा हुआ है तो मुझे लगता है कि अगर जैसे ही स्टॉक 4450 के नीचे आता है तो वहां से एग्जिट हो सकते हैं। जो फ्रेश बाइंग मोमेंटम है 5000 के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर ये 5000 के ऊपर क्लोजिंग देता है, अगर वीकली क्लोज आता है तो वहां से फिर हमें फर्दर अपसाइड की रैली दिखाई दे सकती है 600-700 पॉइंट तक के लिए, बट जब तक ये 5000 के नीचे ट्रेड करता है तब तक हम एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 3900।